हैं रणदीप भास्कर। वेलकम रणदीप। पता है आपको, हम एक आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, जो आपका श्रद्धा स्थान है, जिनको आप पूजते हैं और जिनके जरिए आपने संगीत की शिक्षा ली, वो आपके मान्य गुरुजन यहाँ पर इस स्टूडियो में हम सबको आशीर्वाद देने मौजूद हैं, पंडित मणि प्रसाद जी। पंडित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पंडित जी इस युग के, इस समय के बहुत बड़े पंडित हैं, संगीत के बहुत बड़े उस्ताद हैं। किराना घराने से ताल्लुक है इनका। इन्होंने संगीत भी पंडित सुखदेव प्रसाद जी अपने पिताजी से सीखा, जो कि दीनानाथ मंगेशकर के भी गुरु हैं। दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर जी के पिताजी, उनके गुरु थे सुखदेव प्रसाद जी, पंडित जी के वालिद जी। हमारा अद्भुत सौभाग्य है सर कि आप इस मंच पर पधारे हैं हम सबको आशीर्वाद देने। आप हमारे इस छोटे से मंच और छोटे से प्रयास के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और संगीत तो एक रूह की चीज़ है, आत्मा की चीज़ है। जैसे आपका ये शो है मोहे रंग दे, तो वो आत्मा को रंग दे, वो शरीर को रंगने वाली बात नहीं है, क्या बात? वो रूह को रंगने वाली बात है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डेफिनेटली रणदीप, आप आशीर्वाद लेना चाहेंगे? सुनो भाई सा।
जगजीत सिंह जी से पूछना चाहूंगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तुम्हारी, आवाज क्वालिटी भी अच्छी है भजन के लिए खास करके, बाकी अच्छा रहा। गुरु जी को देख के थोड़ा एक्साइट तो लग रहे हो जी। कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको कामिल मुर्शिद मौसीकी मिले, और जिसको कामिल गुरु मिल जाए उसको कोई डर नहीं होना चाहिए, उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं गुरुवर माननीय पंडित मणि प्रसाद जी से पूछना चाहूँगी। गाना अच्छा है, रूह अच्छी है, समझ अच्छी है, मगर क्योंकि मैं इसके सामने बैठा हुआ हूँ तो थोड़ी ज़रा घबराहट तो होती है, थोड़ा हौसले की जरूरत है। तो अच्छा है, अच्छा गाया, और ईश्वर चाहेगा और भी अच्छा होगा। क्या बात है। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपको मिला, बहुत अच्छा लगा। और जो आपने कबीर कहते समय जो स्वर लगा है आपका, वो बहुत बहुत आत्मा की गहराई तक पहुंचा। थैंक यू सो मच।